सुअर के लिए तो गाना भी बना है, होंठ रसीले तेरे। ये गाना किसके लिए बना है? देखा, नाली में घुस जाएगी ऐसे रुको कचाइन करके निकलेगी थोड़ा ऐसे करके। समाज में महज 5 से 10% लोग चोर हैं, लेकिन 100% घर में ताला बंद होता है। आजकल का गाना में कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं। कुछ गा दो, कुछ भी गा दो, क्या हो जाएगा? लौंगलता लाओ, पुदीना लाओ, छुआड़ा लाओ। तरबूजा लाओ, लीची लाओ, आम लाओ, मैंगो लाओ, खाओ। चलिए आगे समझते हैं, हल्ला नहीं करो। पहले के गाने बहुत जबरदस्त हुआ करते थे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आजकल का गाना में दम नहीं रह गया। हम लोग का जब था वही 1980 का दशक बहुत बेहतरीन। आगे देखो, पुराना गाना आकर आत्मा को ठेस पहुंचाता था। साइड मिरर में देखिए, साइड मिरर में एक ट्रक आएगा ना, तो बताइए ट्रक इतना बड़ा है, लगा देंगे उत्तल, अवतल अगर लगा दे ट्रक में और बढ़ कर देगा, अटबे नहीं करेगा, उसमें झांक के देखना पड़ेगा कौन चीज है जी इतना बड़ा, ओ माय गॉड, तब तक लड़ा देगा ले आके। इसलिए उसमें किसका प्रयोग करते हैं, ट्रक को दिखाएगा इतनी चुकी, इतने छोटे दर्पण में आपको क्या लग जाता है, नहीं समझ में आया? उसे क्या कहते हैं, साइड मिरर, उत्तल दर्पण। इसमें हम बताएं आपको, इस दर्पण पे हमेशा लिखा रहेगा ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन द अपीयर, ये जितना पास दिख रहा है उतना पास नहीं है, ये ओरिजिनल वैल्यू से ज्यादा पास दिख रहा है, ऐसा लग रहा है ना पशुए है, थोड़ा दूर दूर देखेंगे थोड़ा सा दूर मिले। बताइए इतना बड़ा कार इस दर्पण के महज 10% भाग पे अट गया, अभी पिछवा देखिए दो चार गो और दिख रहा है सब, ये इतना बड़ा कम से कम 2 बीघा जमीन इसमें आ गया, दिख रहा है? तो ये बड़े से बड़े इमेज को क्या कर देता है, छोटे, बड़े से बड़े इमेज को छोटा कर देता है। कौन सा दर्पण? कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। देखिए ध्यान से, ये जो चम्मच है, ये जिस तरह से आप खाते हैं, ये तो धंसा हुआ है, क्या है धंसा? कौन सा? अवतल। ये किसी चीजों को बड़ा करके दिखाएगा, इसमें देखिएगा ना तो आपका थुथुरुए इतना बड़ा दिखेगा, इसे होंठ ऐसे दिखेगा जिसे लगेगा सुअर का है। सुअर के लिए तो गाना भी बना है, होंठ रसीले तेरे। ये गाना किसके लिए बना है? देखा, नाली में घुस जाएगी ऐसे रुको कचाइन करके निकलेगी थोड़ा ऐसे करके। चलो ध्यान दे, देखिए ये इधर देखिएगा तो छोटा, ये जो है आपका कौन सा दर्पण? कौन दर्पण? आओ तो आइए, इस चम्मच में पूरा क्लासरूम दिख रहा है। अब इतना छोड़, आप अपने घर पे जाइएगा, एक अच्छा सा एक जूम करो, हाँ बोर्ड के पास, देखो यहाँ देखो लाइव वाले लोग, आपको पूरा क्लासरूम इसमें हल्का सा चमक रहा होगा, पीजे टीवी पे देखिए आप लोग को इतना पूरा क्लासरूम दिख रहा होगा इसमें। आप अपने जूम कर दो, हटा दो, सबके घरे चमक होगा आज। चम्मच में आप चम्मच पे देखिएगा, छत पे खड़े हो जाइएगा और पीछे देखिएगा, आपको पूरा मोहल्ला दिख जाएगा इसी चम्मचों में, समझ में आ गया कि नहीं? अब पता चलेगा कि पिछले ठंडी का उस चम्मच से चमनपरास खा के छोड़ ले हैं, मुरझा गया है तो हमें कौन चीज दिखेगा। देखिए फोर व्हीलर जो गाड़ियां होती हैं, कहाँ गया,
ये गाड़ी, तो इसमें इस साइड की इमेज दिखती है और एक इस विंडो के पास होता है इस साइड की, एग्जैक्ट पीछे देखने के लिए भी एक छोटा सा इमेज रहता है। आगे ड्राइवर जा रहेगा ना जस्ट हम वहाँ पे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया वहाँ पे, वो बैक मिरर देखने के लिए जो एकदम एक्यूरेट आपके पीछे अगर कोई गाड़ी है तो वो साइड मिरर में नहीं दिखेगी क्योंकि उसमें साइड साइड का दिखेगा, एग्जैक्ट पीछे है तो उसमें भी सेम चीज़ होता है, कौन सा अलग रहेगा उत्तल, क्योंकि पीछे ट्रक है वो भी, तो सेम चीज़ हुआ तो इसको इस तरह से धधा के पूछ रहा है, भी वही पूछ रहा था, समझ में आ रहा है कि नहीं आ गया। आगे बढ़ जाए ना, उसी में ड्राइवर वा कभी कभी पीछवा कौन बैठा लो वो झाँक के देख लेता है, समझ में आ गया कि नहीं। लड़की लोग हमेशा एक चीज ध्यान दीजिए, कभी अगर आप घर जा रही हैं लॉकडाउन वगैरह फंस गया या फिर कभी भी तो ड्राइवर के जस्ट पीछे जो अगर बैठ जाएगा तो ड्राइवर को नहीं दिख पाता, जो ड्राइवर का सीट रहता है ना जस्ट उसके पीछवा, तो अभी इधर ड्राइवर बैठा है तो पीछे तो चौड़ी सीट होती है, इस साइड रहेंगे तो एकाको खचरा रहता है सब, तो एकदम क्या है जस्ट पीछे, कोई दिक्कत नहीं है वहां पर। और अगर इमेज देखिए, मिरर की एक खराबी है, अच्छाई भी करिए, अगर कोई आपको देख रहा है तो आप भी उसको सेम मिरर में सेम एंगल से देख सकते हैं, नहीं समझ में आया हाँ, वो नहीं दिख फिर पीछे नहीं देख पाएगा। कुछ कुछ ऐसा कभी भी गाड़ी में गर्ल्स लोग स्पेशली, लड़का लोग भी लड़की लोग भी, अगर आप कहीं भी गाड़ी रिजर्व करके या ऐसे जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे ये है तो चुपचाप सबसे पहले आके ड्राइवर के सामने गाड़ी का क्या लेना चाहिए फोटो, समझ में आएगा कि नहीं आएगा, उसका नंबर, नंबर से उनका खतियान निकल जाएगा कहाँ के कहाँ है, उसका ड्राइवर को भैया एक मिनट बस फोटो खींच के शांति से बैठ जाइए। अब जब गाड़ी चल जाएगी तो 10 मिनट बाद थोड़ा सा शांति हो जाता है गाड़ी में तुरंत थोड़ा सा, अब जब थोड़ा सा चल गया गाड़ी तब घर पे फोटो भेज दीजिए, हाँ पापा फोटो भेजे हैं इसी गाड़ी से आ रहे हैं हम, इस तरह क्यों सुन ले समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बस काम कर, आप अपनी सेफ्टी रखिए, सारे लोग गलत नहीं होते समाज में, महज 5-10% लोग चोर हैं लेकिन 100% घर में ताला बंद होता है, समझ में आया ना कि, इसलिए इस छोटी छोटी चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखें। सर लड़कियां कमजोर नहीं है, एक काम करो तुम गाड़ी पे ऊपर बैठ के जाना, या गजब बेवकूफी है, लड़कियां कमजोर नहीं है यहाँ पे, मतलब लड़कवा कमजोर है अजीब वाले, ये ईगो कहाँ से आ जाता है हमको नहीं समझ में, हम आपकी भलाई के लिए बता रहे हैं कि हमको शिकार ये कमजोर नहीं है अजीब हाल रहता है ये, कोई कमजोर देखिए, शारीरिक रूप से हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से लड़कियां शारीरिक रूप से थोड़ा लड़कों से, लड़के थोड़ा सा सुपीरियर हो जाते हैं, सारी मेंटेलिटी बराबर ही रहती है, दिमाग तो सबका सेम ही रहता है, कोई इस्तेमाल ना करे वो अलग ही बात है लेकिन होता क्या है सेम। अब हम सही बात बता रहे हैं कि ये सब घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही, लॉकडाउन में बहुत सारे लोकल गाड़ियां बंद थी जो भाड़े पे चलती तो रिजर्व करके जाना होता था, तो इसलिए हम आपको बता दिए, अगर जो भाड़ा पे के गाड़ी बैठे हैं उनमें 25 गो आदमी घुसल है तो उनमें जाके फोटो खींचेगा तो ड्राइवर का कहे पगले वगले यार 25-30 आदमी में बैठे, लेकिन अगर अगर सिंगल रहेगा तो थोड़ा सा इसको सावधानी, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ होती है डर के मारे इंसान नहीं करता, बस लिख दीजिए आप सीसीटीवी कैमरे के नज़र में है, आधा क्राइम तो वैसे ही रुक जाता है, दिमाग इसे मेंटल साइकोलॉजिकल इफेक्ट करते हैं, तो एक बार बस बोल दीजिए आराम से, पहले फोटो खींच लीजिए, गाड़ी चलने दीजिए, 10 मिनट हो जाएगा तो थोड़ा भीड़ भाड़ शांत हो जाएगा तो देख लीजिए कि अब कुछ बतियाएंगे तो ड्राइवर का ध्यान जाएगा, भीड़वा में ड्राइवर का ध्यान नहीं जाता है, भीड़ में तो उसको काटने पर लगा रहता है इधर उधर, फोर व्हीलर बड़ा ताम झाम का चीज़ होता है, जब खाली मिल जाए तब आराम से, पापा जो फोटो दो ठो भेजे हैं ना उसी गाड़ी से आ रहे हैं, ये मत बोलने के ड्राइवर का फोटो भेजे हैं, दो ठो भेजे हैं तू समझ जाएगा, एगो गड़िया का खींची थी एगो हमारा खींची थी, दूगो में एगो तो हम आइए गए हैं, बस दो ठो फोटो भेजे हैं इसी गाड़ी से आ रहे हैं हम, ठीक है भैया को भी भेज दिया होगी काम खत्म बस उसके बाद और कहीं पे भी अगर इस तरह से जाइए, आपके व्हाट्सएप में एक ऑप्शन आता है, आप देखिएगा व्हाट्सएप में एगो इस टाइप का बनल रहता है, देखे होंगे एक इस टाइप का बना होता ना, उस पर क्लिक कीजिएगा ना तो उस पर लिखा आता है लाइव लोकेशन, उस पर क्लिक करके शेयर लाइव लोकेशन कर दीजिएगा, अब अपने हिसाब से 15 मिनट में 1 घंटा में 8 घंटा का कर दीजिए, आप जहाँ जहाँ रहिएगा जिसको जिसको शेयर कीजिएगा सड़क का लोकेशन उसको पता रहेगा, तो आप लोग याद रखिए लड़की लोग भी, जब जब सतयुग का भी समय था
तो भी आप लोग को सावधानी से चलना था, और आज के समय में भी सावधानी से चलना रहता है। अपने हाथ में प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज से बेटर है बचाव। आप लोगों को ये समझ में आ गया कि नहीं?